तो दोस्तों हमारे पास Redmi Note 13 Pro वर्सेस Redmi Note 13 Pro Plus। तो गाइस अब भी कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो बाय करना चाहिए, जबकि दोनों फ़ोन का कैमरास जो आपको सेम ही कैटेगरी के देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं Redmi Note 13 Pro की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 200 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Redmi Note 13 Pro Plus की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पे सेम प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 200 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहां पे आपको Redmi Note 13 Pro के अंदर एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं Redmi Note 13 Pro Plus की, तो यहां पे भी आपको सेम वही एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Redmi Note 13 Pro और इसी Redmi Note 13 Pro Plus के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और गाइज दोनों ही फ़ोन के अंदर आप जो 4K वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरे से। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी Redmi Note 13 Pro Plus और इसी Redmi Note 13 Pro के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो कुछ इतना मेजर डिफरेंट नहीं लगा मुझे यहाँ पे कैमरे को लेके। दोनों ही फोन का कैमरा क्वालिटी जो वो आपको सेम ही देखने को मिल जाता है, हो सकता है 19-20 का फर्क हो, अदरवाइज कुछ इतना मेजर डिफरेंट नहीं है।
यानी कि आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है स्पेशली कैमरे के लिए, तो देखो चॉइस इज योर्स, आपकी जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप जो कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो, जबकि आपको कम पैसों में मिलता है वही स्मार्टफोन आपको जो बाय करना चाहिए। तो होपिंग गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।